नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। ताल कहरवा के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष बोल लेके आए हैं जो आजकल के मॉडर्न स्टाइल बोल हैं। ये आप जो पहले धागे नाते नकदीन हम सीखते हैं, खैर वो अपनी जगह पर है, पर इन बोलों को यदि आप सीखेंगे तो ये बोल जो हैं आपके बहुत सी जगह पर, आप जहाँ संगत करते हैं, सो स्लो कहरवे के रूप में भी इसको बोला जाता है और शुरुआती बोल में ये बहुत काम आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरुआत में सीख के इसको हम ख़त्म कर दें। ये बोल आप अच्छे से बड़े क्लासिकल गाने में भी लगा सकते हैं जो कहरवे से रिलेटेड हो, शबद कीर्तन में लगा सकते हैं आप, कोई भी आप जहाँ भी आप कहरवे की संगत कर रहे हैं या भजनी ठेका में संगत कर रहे हैं, आप इन बोल को आप लगाइए। ये बहुत खूबसूरत बोल है। मैं कई बार आपको ये बोल दे भी चुका हूँ पहले, कहीं मिक्स करके कोई वीडियो में आपके लिए मैं इसको बता चुका हूँ, पर स्पेशली मैंने आज इसका ही एक वीडियो बनाया है जिसमें इसके कुछ प्रकार भी बताए हैं, कुछ बजाने के तरीके अलग अलग बताए हैं। तो हम जो इसका बेस जो ठेका है पहले वो बजाते हैं, उसके बाद हम आगे इसके प्रकार बताएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला इसका जो बेस जो बोल है वो कुछ इस प्रकार से है। बोल है धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन, बहुत सरल बोल है। और ये आपने यदि नहीं सीखा है तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना ही चाहिए। इस बोल को कैसे बजाते हैं पहले आप देखिएगा। धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन। अब इसमें कुछ खासियत है जो आपको समझना चाहिए कैसे बजाना है। जो हमारा तिन जो बोल है हमारा, वो इस मैदान पे गूंज के साथ निकलता है, इसको तिन बोलते हैं। और तिट जो हमको बजाना है वो फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड थर्ड से ट, ऐसा ती ट कुछ इस प्रकार से बजाना है हमको। धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन। अब इस बोल में एक और आपको बात ध्यान देनी है कि हमें चौथा बोल मतलब धा तिट तिन तिन, जो चौथा बोल तिन है हमारा, सिर्फ उसी बोल पे थाप लेनी है। और तीन बार हमारे डग्गे का प्रयोग है इस पूरे बोल में। अब देखिए कैसे बज रहा है, फिर से आप स्लो मोशन समझिएगा इसका। धा तिट तिन तिन ता तिट धिन धिन। धिन जो है हमारा तिन और गे को मिला के धिन बजता है। धा तिट तिन तिन ता तिट धिन। को स्लो कहरवा के नाम से भी जानते हैं। यदि आप मध्यम लय में किसी अच्छे गाने की आप संगत कर रहे हैं आप, तो उसे ये लगा उस जगह पे आप लगाइए, आप बहुत सुंदर लगेगा ये बोल। इसकी कुछ प्रकार हैं, मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूँ, कुछ प्रकार जो पहले दे चुका हूँ उसको छोड़ करके मैं अब और कुछ नए प्रकार आपके सामने रख रहा हूँ। तो दूसरा प्रकार कुछ इस प्रकार से मैं आपके सामने बजा के बताता हूँ, फिर बताऊँगा उसका विश्लेषण। देखिए ये बोल है धा तिट तिन तिन ता ता धिन धिन। बहुत सरल बोल है, कोई कठिनता नहीं है इसमें। देखिए आप इसका स्लो मोशन कैसे बजता है। ये धा तिट तिन तिन ता ता धिन धिन, जहाँ हम ता ता धिन धिन बजा रहे हैं
उसको ध्यान रखें कि हम ता ता धिन धिन इसमें कोई भी हम थाप नहीं लेंगे। धा तिट तिन तिन सिर्फ चौथे बोल पे हमेशा थाप आएगी हमारी। धा तिट तिन तिन ता ता धिन धिन बहुत सरल बोल है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। यदि आप इसको लयात्मक रूप में बजाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बजेगा। अब अगला बोल कुछ इस प्रकार से है, आप इसको समझिएगा। ये बोल बहुत सुंदर है, इसका बजाने का तरीका भी कुछ विचित्र है, आप देखिए। हमारा धा तिट तिट ताता धिट। इसमें आप देखिए, आप जो हमने पहले एक इस चार बोलों आठ बोलों के अंदर हमने जो सेकंड वाला तिट है उसको एक ही मात्रा में बजाया है, बाकी सबको हमने खोल दिया है। धा तिट तिट इस तिट को हमने जो दूसरा वाला है उसको हमने सिंगल सिंगल मात्रा में डिवाइड करा है। तो उसका तरीका देखिए कैसे बजेगा। धा तिट जो तिट हमारा पहली उंगली से ती और ट बज रहा है वैसे ही बजेगा। धा तिट ती ट इस ट के ऊपर आपको थाप लेनी, जो तो चौथा बोल हमारा बजेगा। धा तिट तिट ता ता धिट। अब धिट कैसे बजेगा, इस तिट में हम गे को मिला देंगे तो धिट बजेगा। देखिए कैसे, फिर से एक बार आप स्लो मोशन समझिएगा इसका। धा तिट तीट ता ता धीट। ये बहुत सरल बोल है, यदि आप इसको चलन में बजाएंगे तो किस प्रकार से बजेगा देखिए आप। आप कोई भी गज़ल देख लीजिए, यदि आप जगजीत सिंह की गज़ल देखें या कोई भी आप ऐसा क्लासिकल सॉन्ग देखें जो स्लो मोशन में एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है तो उसमें ये बोल लगते हैं। कोई फिल्मी सॉन्ग भी देखेंगे तो आपको यही सब बोल उसमें लगेंगे। तो मैंने आपको जो तीसरा प्रकार बताया है ये भी बहुत सुंदर है। धा तिट तिट ताता धेट। ये बोल सारे जो मैं आपको प्रकार बताते जा रहा हूँ सारे बोल डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक उठान देता हूँ, वो उठान बहुत सुंदर है। मैं आपको सामने पहले बजा के बताता हूँ कुछ एक दो आवर्तन में उठान के साथ, फिर आप देखिएगा उसको। का उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। ताता तिट तिट ताता तिट ताता तिट तिट। ये बहुत सुंदर है, आपके सामने मैं इसको स्लो मोशन बजा के बताता हूँ। पहले आप देखिए ये चलन में किस प्रकार से बजती है, कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिए स्लो मोशन कैसे बजेगी। ताता तिट तिट ताता तिट ताता तिट तिट। आप देखिए मैंने इसमें तीन बार थाप मारी इस पूरे बोल में, और जो तीट हमारा बज रहा है तीट तीट कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड थर्ड से टा, ठीक। ताता तीट तीट ताता तीट ताता तीट तीट।
जिस प्रकार से बोल बजा है ये बहुत सुंदर लगेगा। यदि आप इसको इस बजाने के पहले यदि आप एक उठान लगाएंगे छोटी सी तो सुंदर लगेगा। यदि आपको कोई संगत कर रहे हैं किसी भी गाने पे तो ये अच्छी लगेगी। देखिए किस प्रकार से बजेगी। तो ये हमारा अगला बोल है जो मैं आपको हमने बजा रहा हूँ। धा तिट तीट ताता तिट धीट। बहुत सरल बोल है और बहुत सुंदर भी है। कैसे बजेगा देखिए आप। अब इसको आप स्लो मोशन बजा के देखिएगा कैसे बजता है। मैं आपको बजा के बता रहा हूँ तो आप समझिए इसको। धा तिट तीट तदा तिट धीट। तो इसका स्लो मोशन किस प्रकार से है। धा तिट तीट। अभी ट पे आपको थाप जरूरी है। इस पूरे बोलों में चौथे जो बोल है उस पर थाप देना अति आवश्यक है। यदि आप थाप नहीं देते हैं तो इसका बैलेंस बिगड़ेगा। आप ध्यान रखें इसको। धा तिट तीट ताता तिट धीट ताता तिट धीट। ये आपको ताता तिट धीट ये सारे बोल आपको जो ताता तिट है वो एक दो मतलब बोल में बजाना है। ताता जो है एक मात्रा में, तिट को एक मात्रा में, फिर धीट अलग अलग करके। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका मैं आपको लिख के दूंगा, उसको उसी प्रकार से पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर से आपको इसका मैं आपको एक बार स्लो मोशन बजाता हूँ। देखिए धा तेट तेट ताता तेट धीट। अब एक लास्ट में एक बोल और बचता है, मैं आपको आज के लिए इसको बताता हूँ। ये बोल भी बहुत खूबसूरत है। इस जहाँ हम एक बार ताता तिट लगा रहे थे इस पिछले बोल में धा तिट तिट ताता तिट धीट हम इस प्रकार से बजा रहे थे, अब उस बोल में हमने एक छोटा सा परिवर्तन और करा। आप देखिए किस प्रकार से बजेगा। ये बोल हमारा जो बना अगला था धा तिट तिट ताता तिट ताता तिट। तो ताता तिट में दो बार थाप लगेगी। वो कैसे लगेगी आप देखिएगा। धा तिट तिट ऐसे ही बजेगा। चौथे बोल पे हमको ट पे हमको थाप मारनी ही है। धा तिट तिट फिर ताता तिट ताता तिट ताता तिट ताता तिट इस प्रकार से। तो पहला वाला जो ता है ताता तिट, फिर जब हम ताता तिट बजाएंगे तो फिर पहले वाले ताक के ऊपर हमको एक थाप लेनी है। तो ये आज के कुछ जो बोल हैं आपके सामने मैंने इसके लगभग पांच प्रकार छह प्रकार आपके सामने दिए, एक उठान भी दी। ये बोल आप सीखिएगा, ये बोल बहुत सुंदर है। इन बोलों को आपको रियाज करना चाहिए और इसको बल्कि आपके वादन में शामिल करना चाहिए। ये बोलों को यदि आप शामिल कर लेते हैं कहीं भी जहाँ भी आप इसको उचित लगे तो आपको पहले यही बोल लगाना है। जहाँ भी आपको स्लो मोशन में कोई संगत हो रही है या कोई गज़ल टाइप या शब्द कीर्तन जैसा कोई बढ़िया एकदम संगीत में कुछ भजन चल रहा हो या फिर एक सुगम संगीत चल रहा हो तो आपको यहाँ लगाना चाहिए। जहाँ यह लगे उसको लगाना ही चाहिए क्योंकि ये बोल बहुत सुंदर होते हैं।
अब कुछ मुझको एक बात करनी थी आपसे। कुछ दिनों से जब मैं आपके साथ हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए देता हूँ, बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभी कुछ बहुत प्रेमीजन मेरे साथ जुड़े हैं, डेली मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, और उनका जुड़ने के लिए और उनके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे हर बार यही कमेंट्स मिलता है कि आप बहुत अच्छे समझाते हैं, आपके जैसा कोई यूट्यूबर दुनिया में, मतलब इस यूट्यूब पर कोई है नहीं समझाने वाला। ठीक है, ये आप लोगों का बड़प्पन है जो आप मुझको इतनी तारीफ देते हैं। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैंने जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू करी हैं तो कुछ ही सब्सक्राइबर्स मेरे को डेली फ़ोन करते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फ़ोन करते हैं और मुझसे क्लास में ज्वाइन होने के लिए मुझसे आग्रह करते हैं। मैं उनके लिए समय निकालता हूँ, उनको बैच में शामिल करने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आप भी यदि आना चाहें, यदि कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो मेरे साथ आप आ सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन तबला सिखाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मेरे से भी अच्छा तबले वाला बनाने की प्रक्रिया में शामिल हूँ। अब मैंने देखा है कुछ दिनों से मेरे पास कुछ फ़ोन्स आते हैं जो पुराने यूट्यूबर्स हैं जो खुद तबला सिखाते हैं, और मुझसे जानकारियां लेते हैं, पर वो मुझको ये बात अच्छी नहीं लगती उनकी कि जब वो फ़ोन लगाते हैं तो किसी तीसरे नाम से फ़ोन लगाते हैं और मुझको मेरे जो भी उनको पूछना होता है पूछते हैं। यदि वो यदि अपने स्वयं के नाम से फ़ोन लगाएं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, यदि जो बाकी सब्सक्राइबर्स मेरी इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो वो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो तबले में बजा रहे हैं आज के तारीख में यूट्यूब पे, वो सारे मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं किसी विभिन्न विभिन्न नामों से। पर मैं चूंकि उनको पहचान जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा है, थोड़ा सा मेरा निवेदन उनसे है कि आप डायरेक्ट अपने खुद के नाम से मुझसे बात करें। मैं जो वो पूछना चाहेंगे सहर्ष बताऊँगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि कोई किसी से सीखता है तो कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। यदि मेरा लोगों को समझाना पसंद आता है, मेरा सिखाना यदि लोगों को पसंद आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, पर यदि आप दूसरे नाम से जुड़ते हैं तो वो मुझको भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप लोगों का इतना जो प्यार मिला है मुझको, मैं उसका हमेशा आभार व्यक्त करूँगा आपके लिए। और आज जो मैंने आपको इस लेसन में जो आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सारे जो आपको लेसन दिए हैं, वो सब मेरे डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइबर में भी मैंने कई बार देखा है कि जो सब्सक्राइब करते हैं हमेशा मेरे चैनल को, तो मैं जितनी बार भी वो वीडियो देखते हैं तो हर बार मेरे वो सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं। कुछ जो नए यूट्यूब पे जो आए हुए जो लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं यूट्यूब को, वो हर बार जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वह हर बार एक सब्सक्राइब दबा देते हैं। तो एक बार तो सब्सक्राइब हो जाते हैं, फिर एक बार सब्सक्राइब नहीं रहते हैं। तो ध्यान रहे, एक ही बार आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है तो हमेशा आप मेरे सब्सक्राइबर बने रहेंगे। मैं हर बार वीडियो में नए जो व्यूवर्स होते हैं जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा उनके लिए बोलता हूँ, तो आप ये बात ध्यान रखें। जो समझदार हैं खैर उनके लिए बात नहीं है, पर जो शुरुआत में अभी बैठे हैं यूट्यूब पे, तो वो हर बार मेरा वीडियो देखते हैं, हर बार सब्सक्राइब बटन दबाते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको एक ही बार सब्सक्राइब का बटन दबाना है, इससे ही आप एक बार में मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।